जय हिंद व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम मीराबाई जी पर बेस वाक्य हिंदी में लिखेंगे। लाइन नंबर एक, मीराबाई श्री कृष्ण जी की परम भक्त एवं लोकप्रिय कवित्री थीं। लाइन नंबर दो, संत रविदास जी मीराबाई जी के गुरु थे। लाइन नंबर तीन, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कढ़ी गांव में रतन सिंह के घर हुआ था। लाइन नंबर चार, राजघराने में जन्म लेने के बाद भी मीराबाई को राजपाट सुख भोगने में कोई दिलचस्पी ना होकर बचपन से ही श्री कृष्ण जी के भक्ति में रुचि रखती थीं। लाइन नंबर पाँच, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में महाराजा भोजराज के साथ हुआ था। लाइन नंबर छः, 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में महाराजा भोजराज एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। लाइन नंबर सात, पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। लाइन नंबर आठ, महाराजा भोजराज अर्थात मीराबाई जी के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीराबाई के अनुपस्थिति में किया गया। लाइन नंबर नौ, मीराबाई जी ने पति की मृत्यु के बाद भी अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह स्वयं गिरधर अर्थात श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं। लाइन नंबर दस, उन्होंने घर परिवार से विरक्त होकर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। लाइन नंबर ग्यारह, पति की मृत्यु के बाद मीराबाई जी का श्री कृष्ण जी के लिए भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लाइन नंबर बारह, वह श्री कृष्ण जी के मंदिरों में जाकर उनके भक्तों के सामने श्री कृष्ण जी के मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। लाइन नंबर तेरह, मीराबाई का इस प्रकार का व्यवहार राज परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइन नंबर चौदह, राज परिवार की मर्यादा को लांघकर मीराबाई का इस प्रकार के व्यवहार से त्रस्त आकर उनके ससुराल वालों ने उन्हें जान से मारने के कई प्रयास किए। लाइन नंबर पंद्रह, मीराबाई के देवर विक्रमादित्य ने उन्हें जब विष का प्याला दिया, तब मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अर्पित कर भक्तिभाव से उसे ग्रहण किया और फिर जहर का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। लाइन नंबर 16, जब विक्रमादित्य ने उन्हें नदी में डूबने के लिए कहा तो वह नदी में तैरने लगी, मानो नदी का पानी स्वयं उनकी रक्षा कर रहा हो। लाइन नंबर 17, अंत में मीराबाई घरवालों के इस प्रकार के व्यवहारों से परेशान होकर पहले द्वारिका फिर वृंदावन चली गईं। लाइन नंबर 18, मीराबाई जहाँ पर जाती लोग उन्हें देवी की तरह पूजते और उन्हें सम्मान देते थे। लाइन नंबर 19, मीराबाई का यह समय राजनीतिक उथल पुथल से भी भरा हुआ था, क्योंकि इसी समय बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। इसके बावजूद भी मीराबाई के भक्ति भरे गीत
जिसे पदावली कहते हैं, और उनकी लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ती रही। लाइन नंबर 20। माना जाता है मीराबाई 1547 में श्री कृष्ण जी की मूर्ति में चमत्कारिक रूप से विलीन हो गईं, और आज भी पूरे भारत में उनकी कृतियां विख्यात हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल के साथ जोड़ना ना भूलें।